तो आज हम लोग बताने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है, आज का जो वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना एक टूल्स इक्विपमेंट के ऊपर वीडियो है। तो ये हमारा एक सनसाइन का चार्जिंग अडेप्टर है। इसके अंदर मल्टी यूएसबी पोर्ट आती है, इसके साथ में केबल आता है। इसका डब्बा देना जरा, इसका डब्बा देखिए पीछे रखा हुआ है, ये ढाई डब्बा, ये एक ऐसा अडेप्टर का इसका डब्बा आता है। ये डब्बे के अंदर पूरा पैक आता है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये ऐसा है, चार्जर अडेप्टर निकलता है। इसको 250 वोल्ट पे डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है, जैसे आप देखेंगे इसको 250 वोल्ट पे डायरेक्ट हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। जिसका पीछे पोर्ट 250 वोल्ट सप्लाई पे हो जाएगा। ये हमारे रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो एडेप्टर इसके अंदर 6 पोर्ट दिए हुए हैं। ज्यादातर जितना भी हम लोग रिपेयरिंग करने वाले, हमको परेशानी आती है कि बार बार कई सारे यूएसबी होते हैं, उनको अलग अलग जगह लगाना होता है, चार्जिंग होगा नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है, इसलिए हम लोग एडेप्टर ले लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट है गुप्ता जी, इन्होंने एक चार्जिंग का एडेप्टर लिया हुआ है। अब ये इनको काफी 1-2 साल हो गए मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखे हुए, तो धीरे धीरे पहले हॉटगन ले लेते हैं, कहीं सेपरेटर ले लेते हैं, कहीं एक एक करके ऐसे टूल्स लेते रहते हैं। अब ऐसा स्टूडेंट इसलिए करते हैं ताकि जैसा जैसा अपने लिए पैसा कमाते रहते हैं, थोड़े थोड़े अर्निंग करते रहते हैं, तो अपने लिए टूल्स लेते रहते हैं। क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन हो, उसको जो मजबूत करते हैं उसके औजार ही उसको मजबूत करते हैं। तो ये हमारे पास अडेप्टर है जिसको हमने लगाया, हम इसको पावर केबल को लगाएंगे। जैसे पावर केबल को लगा देंगे तो पावर केबल लगाने के बाद ये ऑन हो जाता है। इसके अंदर जितने 6 पोर्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी जो 6 की जो डिटेल होती है वो यहाँ पर शो होने लगती है। उसके बाद इसमें आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं इस केबल को लगा देता हूँ तो ये जो मशीन होती है बताता है 5 वोल्ट और कितना एम्पियर। अगर हमारा मोबाइल फोन जब करंट खाएगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, जितना एम्पियर करंट खाएगा वो यहाँ पर शो करेगा। अगर जितना भी एम्पियर करंट खाएगा तो क्या करेगा, शो करेगा। तो देखिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको लगा दिया, इसको लगाने के बाद जैसे ही मैं मोबाइल फोन को इसमें लगाऊंगा, कनेक्ट करूंगा, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, वहां चार्जिंग का सिंबल बनकर के आ गया और ये मोबाइल फोन में चार्जिंग भी होने लगी। चार्जिंग होने के साथ साथ वहां पर ये शो कर रहा है कि कितना एम्पियर खा रहा है, जैसे 0.9 एम्पियर खा रहा है, ये शो होने लगा। हटा दिया, डिस्कनेक्ट हो गया। इससे क्या रहता है, कोई भी मोबाइल फोन आता है, यदि बंद मोबाइल फोन है और ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप डाटा केबल लगाते हो और डाटा केबल लगाते ही अगर इसमें रीडिंग आ जाती है, तो रीडिंग आने का मतलब क्या है कि मतलब हमारा फोन चार्जिंग होने लगा। चलिए मैं दूसरा मोबाइल फोन लेता हूँ, इस मोबाइल फोन को कनेक्ट करता हूँ। देखिए चार्जिंग होने लगा और वहां पर बताने लगा। अब इसी तरीके से जैसे ही आप इसके यूएसबी का पोर्ट चेंज करेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे 1 नंबर पर लिंक हो रहा है, जब मैं 2 नंबर पर लगा दूंगा तो 2 नंबर ब्लिंक होगा, जब मैं 3 नंबर पर लगा दूंगा तो 3 नंबर ब्लिंक होगा, अगर मैं 4 नंबर पर लगा दूंगा तो 4 नंबर लिख करके आएगा ब्लिंक होगा, 5 नंबर लगा दूंगा तो 5 नंबर ब्लिंक होगा, और 6 नंबर लगा दूंगा तो 6 नंबर ब्लिंक होगा। तो फाइनली आप देखेंगे इसके अंदर 6 तरह के आउटपुट दिए हुए हैं। कितने तरीके का आउटपुट दिया है, 6 तरीके का आउटपुट दिया है। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है, मैं एक और मोबाइल फोन लगा देता हूँ, मेरे पास टाइप सी की केबल है, इसको हमने लगा दिया। उसके बाद ये दूसरा मोबाइल फोन, हमने इसमें टाइप सी लगा दिया, सैमसंग का फोन है। देखिए ये भी चार्ज हो रहा है, वो भी चार्ज हो रहा था, 1 नंबर पर लगा रखा था, 1 नंबर ब्लिंक कर रहा है, 6 नंबर ब्लिंक कर रहा है, जितने तो इसको कुल मिलाकर जितने आप मोबाइल फोन लगाना चाहे उतने मोबाइल फोन लगा सकते हैं और चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन है 1.6 एम्पियर करंट खा रहा है और जो नीचे वाला मोबाइल फोन है वो 0.7 मिली एम्पियर करंट खा रहा है। तो एम्पियर खाने का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज हो रही है, और ये सब चीजों के बारे में हमको व्यू पता चलता है। तो एक हमारा छोटा सा चार्जिंग एडेप्टर है, इस चार्जिंग एडेप्टर के माध्यम से हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अगर ये अडेप्टर को परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। समथिंग इसका जो कीमत रहता है 1200 से लेकर के 1500 रुपये कीमत आता है, 1000, 1200, 1500 रुपये से अडेप्टर कीमत आता है। सनसाइन कंपनी का होता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं।
और आज मैंने आपको सनशाइन का जो पावर एडेप्टर है, इस पावर एडेप्टर के बारे में मैंने आपको चलाने के बारे में आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? आज की वीडियो में मैंने आपको छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट है जिन्होंने इनको खरीदा हुआ है, तो आप भी सर आप बताएं जरा कि आपने इसको परचेज करने पर इसका क्या यूज करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कितना टाइम आपको सीखा हुआ हो गया यहाँ से, एटेक से आपको सीखा हुआ कितना टाइम हो गया बताइए सर। सर नमस्ते, मैं रघुवेंद्र सर जी का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं यहाँ से कोचिंग करके हटा हूँ, 1 साल हो गया, और अब कई किसी जगह मैं पढ़ने भी गया था तो वहाँ पे भी नहीं पढ़ पाया, तो यहाँ से करने के बाद फिर किसी जगह बैठे हो तब थोड़ा बहुत काम आया है, अभी भी थोड़ा बहुत कमी रह गई है, वो भी पूरी करने जा रहे हैं। और फिर एडाप्टर लेने के बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी यूज करने की वो हम सीखेंगे इसी चीज़ से। तो आपने कौन कौन से टूल्स अभी ले रखे हैं सर? अभी तो यूएसबी केबल चार्ज एडाप्टर ले लिया है, फिर वो डीसी मशीन लेने के विचार में पड़े हैं कि डीसी मशीन भी लेनी है, फिर हॉट गन भी ली हुई है, बाकी टूल्स सब हैं अवेलेबल मेरे पास। हाँ, तो एक एक करके सर ने सारे टूल्स अवेलेबल कर रही हैं। और सर ने मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारी मतलब इन्होंने एक दो जगह मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखा हुआ भी है, दुकान पे भी सीखा हुआ है, लेकिन बाद में इनको हर जगह एक निराशा मिली कि लोग सिखाते नहीं थे, उल्टा सीधा काम कराते थे, कहीं कुछ बात, यहाँ तक कि कहते थे कि पैसे और ज्यादा ले लो, एक जगह तो ऐसी बात आई थी कि पैसे देने के बाद भी बोले कि और भी पैसे ले लो, लेकिन फिर भी नई ट्रेनिंग देते थे। तो मेरे पास आए, इनको 1 साल हो गया कोर्स सीखे हुए, और आज एक मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान में काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ साथ वहां पर जैसे जैसे धीरे धीरे इनका इनकम होती रहती है, तो इनकम के साथ साथ अपने अपने एक एक करके टूल्स को खरीदते रहते हैं, और एक अपना ये टूल्स लिया हुआ है, इस टूल्स के माध्यम से ये अपना रिपेयरिंग करेंगे। और जैसे कि हम लोग टूल्स लेते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो हमारी अर्निंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कस्टमर को मोबाइल फोन ठीक करेंगे तो उसके बदले हमको पैसे मिलेंगे, लेकिन वो तभी कर पाएंगे भाई कस्टमर को हमको टूल खरीद कर तो देगा नहीं, टूल तो जो रिपेयरिंग करने वाला जो टेक्नीशियन है उसी को लेना होता है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाने के बाद जब आप बैंक में जमा करते हैं तो इस उम्मीद के साथ में जमा करते हैं कि बैंक आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा, लेकिन अगर वही अगर मैं आपको बताऊं, अगर कुछ पैसा जैसे आपने 100 रुपए कमाए, अगर 5 रुपए आप अपने ऊपर खर्चा करते हैं, अगर उसके कोई सामान लेते हैं, कोई टूल्स लेते हैं, कोई इक्विपमेंट लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, और उनके माध्यम से आप बहुत अच्छा काम करेंगे और एक अच्छी अर्निंग करेंगे, एक अच्छी इनकम को जनरेट करेंगे, और धीरे धीरे करके आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि साल 2 साल 3 साल बाद आप ऐसे हो जाएंगे कि आपके एरिया में नाम होगा, आपके पास सारे औजार होंगे, सारे टूल्स होंगे, सारे मशीनें होंगी, और सारे मोबाइल फोन आपसे ठीक होंगे, और लोग दूर के लोग देख करके बोलेंगे कि भाई अगर फला जगह जाओगे तो भाई साहब बहुत अच्छे हैं, उनके पास सारा सामान है, सारा टूल है, कोई भी मोबाइल फोन जाते हैं फटाफट ठीक करके दे देते हैं, टच भी बदल देते हैं, ग्लास भी बदल देते हैं, ओसीए मशीन भी है, डिस्प्ले लगाने की मशीन है, लॉक तोड़ने का सारा सॉफ्टवेयर भी है, आईसी लगाने के लिए माइक्रोस्कोप है, ऐसे एक तरीके से सारे इक्विपमेंट है। तो ये सारे इक्विपमेंट अगर हमारे पास पैसा होता तो एक साथ ही ले लेते हैं, अगर नहीं होता तो कम से कम धीरे धीरे करके तो हम ले ही सकते हैं, ताकि हम काम को बेहतर तरीके से कर सकें। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए कम्प्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स सिखाया जाता है, 45 दिन के अंदर पूरा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग होती है, लेकिन 45 दिन का कोर्स उन्हीं बच्चों का पूरा होता है जो फुल डे ट्रेनिंग करते हैं, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फुल डे ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं का 45 दिन होता है, जो 2 घंटे 4 घंटे का अगर समय देकर के कोर्स करते हैं तो उनको सीखने में समथिंग 90 दिन का समय लगता है। तो इस तरीके से सर हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और मैं मिलाना चाहता हूँ, हमारे पास एक और स्टूडेंट है जो झाजी है, वो शाम को ड्यूटी करने के बाद, शाम को जॉब करने के बाद भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, तो सर आप भी बताइए जरा अपने बारे में। मैंने इनका ऑनलाइन में सर्च करने के बाद में इनका इंटेक के नाम से सर्च हुआ, तो फिर मैंने बातचीत करने में बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने यहाँ पे फिजिकली विजिट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे अब ट्रेनिंग लिया जाए। मैंने जॉब करने के बाद में मैंने कुछ समय इनके लिए निकालता हूँ, शाम के टाइम में आके फिर यहाँ से सीख के जाता हूँ, और देखता हूँ अभी मैं 2 महीना हुआ है, अभी 1 महीना और बचा हुआ है, काफी कुछ सीख चुका हूँ और कुछ सीखना बचा हुआ है। कल आपने ओप्पो का एक मोबाइल फोन भी ठीक किया था? हाँ, कल ओप्पो का एक डेड मोबाइल फोन आया था, काफी दिन से बंद फोन पड़ा था, आपके था कि दूसरे का था वो? नहीं, ये मैंने लेके आया था घर का ही था,
घर का ही फोन था, डेड फोन पड़ा था, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने खुद ही बनाता हूँ। तो इन्होंने मोबाइल फोन को रिपेयर किया, उस मोबाइल फोन को चालू किया, फिर तो उसकी बैटरी भी खराब हो गई थी, बैटरी भी नई लेकर के आई। कितनी बैटरी मिली थी? 500 रुपए की बैटरी लेकर के आया था। तो उसमें बैटरी डाला, पूरा मोबाइल फोन को फर्स्ट क्लास चलने लगा। तो इस तरीके से अब सर 1-2 महीने हो गया सीख गए हैं और एक एक करके मार्केट से मोबाइल फोन लाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि सर के लिए मैं बड़ी तारीफ की बात कहना चाहता हूँ कि इतना ड्यूटी करने के बाद भी सीखने आते हैं। वो इसीलिए सीखने आते हैं ताकि ड्यूटी तो आज है कल है, लेकिन हम कल को अगर अपना बिजनेस जमाना है या कुछ अपना काम करना है या फैमिली के लिए काम करना है तो हमारे हाथ में कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए, कुछ टैलेंट होना चाहिए। और उस टैलेंट की वजह से हम अपने आप को काम कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं आज 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 20,000 रुपए अगर कमाते भी हैं तो 40,000 की गाली खाते हैं, तब वो कहीं ना कहीं 20,000 कमाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आदमी एक समय पर एक टाइम के दौरान अगर अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है या अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है तो किसी सहारे की कभी जरूरत नहीं रहती। ताकि अगर कल को अगर आप अपने फ्यूचर में कल अपने बच्चों को विरासत में क्या देंगे, अपने बच्चों को विरासत में यही देंगे कि भाई देखिए ये आज मेरा बिजनेस है और मैं ये काम करता रहा, अगर तुम भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब दे रहे हो तो ये नहीं कि आप अपने बच्चों को अपनी जॉब को दे सकते हो। ऐसा तो सरकारी नौकरी वाले में भी अब ऐसा स्कीम नहीं रहा कि अगर कल को नौकरी से छूट जाता तो अपने बच्चों को लगा सकता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर बिजनेसमैन है और उसके पास करोड़ों रुपए का बिजनेस है तो अपने बिजनेस अपने बच्चों अपने फैमिली किसी को ट्रांसफर कर सकता है। क्योंकि बिजनेस एक पेड़ की तरह होता है, अगर आज आपने पेड़ लगा दिया उसमें फल अगर लगेंगे तो उसमें आप तो खाओगे आपके बच्चे भी खाएंगे, बच्चे के बच्चे भी खाएंगे, लेकिन फल बस हरा भरा बना रहना चाहिए और उससे आप जिंदगी आपकी कट जाती है। तो दोस्तों ये छोटा सा स्किल का कोर्स है, मात्र 45 दिन 90 दिन का कोर्स है। कोर्स सीखने के बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।